जाएंगे। तारे जमीन पर जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। पूजा, आपको ये शौक था या कैसे सीखा आपने ये? जब मैं 5 साल की थी और तब मेरी मॉम ने मुझे आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स में डाला था और आफ्टर माय 10th मैंने रिदमिक जिमनास्टिक्स किया। और जब मैं 11th में थी, एक लाइव परफॉर्मेंस करते वक्त मेरी लाइक नी का एसियल लिगामेंट कम्प्लीटली टेयर हुआ और मैं वहीं पर कोलैप्स हो गई। तो डॉक्टर ने बोला कि यू हैव टू अंडरगो एन ऑपरेशन। और तभी सब ने बोला कि मैं जिमनास्टिक्स में करियर नहीं कर सकती आगे। और फिर मैं उठ के रिहैबिलिटेशन करके मैं 9 महीने बेड पे थी। और एक जिमनास्ट को, एक स्पोर्ट्स प्लेयर को बेड पे 9 महीने, इट इज, मैं बता नहीं सकती मैं क्या फील कर रही थी तब। लेकिन मेरी मॉम ने, डैड ने मुझे सपोर्ट किया। ये आपकी मदर है यहाँ? हाँ है। क्या आप आ सकती हैं? कहाँ पर है? ये जो जज्बा है ना, आपके इस जज्बे को सलाम है। मुश्किलों से भी आगे बढ़कर किसी तरह से वापस जिंदगी को ट्रैक पर लाना और आगे बढ़कर जीतना और एक मकाम हासिल करना, वाह क्या बात है, वेल डन। नौ महीने आप बेड पे थी, उसके बाद में नौ महीने फिजियोथेरेपी की और उसके बाद मैंने बेसिक से स्टार्ट किया। माय गॉड, इस लड़की की आत्मा इसके साथ थी, इसलिए सब इसके साथ थे। माँ के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। भगवान लंबी उम्र दे आपको और बहुत मेरी दुआएं हैं, खूब फले फूले, तरक्की करें। थैंक यू। हाँ या ना पूछ ही लेते हैं धर्म जी। हाँ, मेरी तरफ से तो किरण बहुत इज्जत करती हूँ आपकी हिम्मत की, मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ। थैंक यू, मेरी तरफ से भी हाय। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। थैंक यू, वी आर ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। कई सारे मेडल्स मिले हैं, कई सारी अचीवमेंट्स हुई हैं, लेकिन ये अचीवमेंट बाय इटसेल्फ कुछ अलग है, कुछ बड़ा है। हाँ डेफिनेटली, मैं अपने हर एक चीज को इम्पोर्टेंस देती हूँ और ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है मेरे लाइफ में। पूजा ने अपनी हिम्मत से हर मुश्किल का मुकाबला किया और मंजिल को पाने की चाह में जीत की राह खुद बनाई। पूजा की इस परफॉर्मेंस के साथ मुंबई ऑडिशंस का यह यादगार दिन यहीं खत्म होता है। आप कर क्या रहे थे? और जो आपने ऋतिक रोशन वाला स्टेप रहा, ऑलमोस्ट दीवार को धक्का देके बाहर निकाल दिया। और जी, हरियाणा की ताकत सब चीज दिखा दीजिए। फर्स्ट टाइम भांगड़ा बहुत अच्छा लगा, इसलिए ना कि चंडीगढ़ से है। बिल्कुल,
और अब इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 3 आ पहुंचा है दिल्ली। उस होनहार कलाकार को ढूंढें जिसमें हो काबिलियत बुलंदी तक पहुंचने की। हम लोग आपका सुरक्षित दिल्ली में स्वागत करते हैं। तो दिल्ली वालों, मिलते हैं दिल्ली के ऑडिशंस में। जीत के जाएंगे, जीत के जाएंगे। दिल्ली रॉक यो। जब दिल्ली से हमने हुनर मांगा तो हजारों नहीं लाखों कलाकार आगे आए। हर किसी के दिल में एक ही उम्मीद थी। जीतने की इसी ख्वाहिश को अपने दिल में संजोए पूरे जोश के साथ आ रहे हैं दिल्ली के पहले कंटेस्टेंट। मेरा नाम संदीप लाठर है, मैं सोलो डांस करने वाला हूँ। मैंने ये डांस परफॉर्मेंस करने के लिए लगातार दिन रात मेहनत की है। अभी देखो मैं अंदर जाके क्या धूम मचाता हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप लाठर फ्रॉम जींद हरियाणा। क्या करने वाले हो आप? मैं डांस करूंगा जी, एक पलका जीने गाने पर जी। अच्छा, आप क्या करते हैं वैसे? मैं जी हलवाइया काम कराया करूँ, पार्ट टाइम वैसे पढ़ता भी हूँ जी। अगर आप जीतते हैं तो आप क्या करोगे प्राइज के मनी? जीतेंगे जी, सबसे पहले मेरे सरदिया ने जी गिफ्ट दूंगा, तो अपना गुड़गांव में जाएगा बंगला लेऊंगा जी एक। प्रे करती हूँ कि आपका हुनर वाकई बहुत अच्छा हो और आपके जो सपने हैं वो वाकई पूरे हो जाए। ऑल द बेस्ट। ब्रेक नोट आ रही है। आ रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं, इसलिए मैं दोनों कर रही। हमारे हरियाणा में यो टैलेंट है जी। अच्छा, एक प्लीज ट्रांसलेट इतना दोबारा बोल दे। चौधरी चौधरी कौन जी? मैं लाठर साहब हूँ जी। तू तो लाठर साहब है लेकिन चौधरी लठ से तेरे को धरती में गाड़ दूस हूँ। गाड़ दो जी, सच्ची का बोल। टैलेंट दिखा जी मना। बात देख लिया तेरा टैलेंट। संदीप, एक बात को तो मानना पड़ेगा, आपने हमको बहुत एंटरटेन किया। यो तो मैंने करना था जी। आई वॉन्ट टू हियर वॉट धर्म जी हैज टू से अबाउट दिस परफॉर्मेंस।
मैं तेरे कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ भाई। अच्छा जी, थैंक यू सर जी, माफ कर हरियाणा की शान भी नहीं भूलता हूँ जी। तुम तो चांद भी उतार के ला सकते हो भाई, तेरा कॉन्फिडेंस बहुत है भाई। मैं हर साल सोचती हूँ, तीसरा साल है हम ये शो कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि यार इतना फनी आदमी इस शो में आ गया, अगले में तो नहीं आएगा, लेकिन हिंदुस्तान की भी कमाल है, तुम्हारे जैसे जगह जगह पे निकल आते हैं। और जी क्या बात है, मतलब आप कर क्या रहे थे और जो आपने ऋतिक रोशन वाला स्टेप है ऑलमोस्ट दीवार को धक्का देके बाहर निकाल दिया। और जी हरियाणा की ताकत सब चीज दिखा दीजिए जी।